बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पॉली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं fuzzbyte.tv। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। अब होली पर घर जाना होगा आसान। होली के समय सभी लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं, इसके कारण ट्रेन टिकट मिलने में काफी परेशानी होती है। खासकर झारखंड, बिहार और यूपी के यात्रियों के लिए समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। यात्रियों को होने वाली इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने इस बार खास तैयारी की है। रेलवे ने पूरे देश में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि मुख्य रूप से लखनऊ छपरा, छपरा फरुखाबाद, दिल्ली जोधपुर, लखनऊ चंडीगढ़ और अहमदाबाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। सभी ट्रेन आरक्षित श्रेणी वाली है। साइबर हमले को अंजाम देने की खबर पर भारत के खिलाफ बोला चीन। भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की रिपोर्ट को चीन ने खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत को सरहद पर आक्रामक होने से रोकने के लिए चीन से उसके पावर ग्रिड पर साइबर हमले को अंजाम दिया और इसी हमले की वजह से पिछले साल मुंबई में पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। वहीं चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह से किसी एक पर आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है, जबकि इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। बंगाल असम के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। 4 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक 3 मार्च को होगी। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। अब बाइक में पेट्रोल इंजन की जगह बैटरी लगवा रहे हैं लोग। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब लोग इस खर्चे से बचने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। दरअसल अब लोग अपनी बाइक से पेट्रोल का झंझट ही खत्म कर रहे हैं और पेट्रोल इंजन के इलेक्ट्रॉनिक इंजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी हां, अब कई लोग अपनी बाइक से पेट्रोल इंजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह बैटरी लगवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की जगह चार्ज करना होगा। मालदा में बोले योगी, भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल में बंद करवा देंगे गौ तस्करी का काम। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस के गढ़ मालदा के गाजौल कॉलेज ग्राउंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा शुरू हो गई है। योगी यहां परिवर्तन रैली को संबोधित किया। बता दें कि बंगाल चुनाव के बीच योगी की यह पहली रैली है। योगी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि सरकार गौ हत्या और लव जिहाद रोकने में असफल रही है। वहीं मालदा जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां पर 12 विधानसभा सीटों में से करीब 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं योगी की रैली से परिजादा की पार्टी और कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। आज की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार नई नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए fuzzbyte.tv और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।